लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अभिमनी बाबू, ये शुक्ला और गंगा देवी जी को उनका खेमा से कैसे बाहर निकाले हम। हाँ, ये बात तो सही है निमकी जी। कहा है ना, ये जो गंगा देवी जी का जो जड़ है ना, वो अपराध की दुनिया में काफी है। निश्चित तौर पर उनका CID और पुलिस में काफी आदमी होगा। हमको बहुत सावधानी से उनके गिरोह के आदमी को पहचानना होगा। बताओ। लेकिन पहले वो अनारो जी कहाँ है? हम तो मिंडू को बोले थे अनारो को यहाँ लेके आने के लिए। आपकी बेवकूफी की वजह से हमारा भी बदनामी हो सकता है। आपकी इस बर्बादी पर हम खुश भी नहीं हो सकते। काहे कि अगर आपका नाम आएगा तो हमारा भी नाम आएगा इस बिजनेस में। हम पहले से ही जानते थे कि आप एक घटिया इंसान हैं। इतनी बेवकूफ है ये नहीं सोचे थे। वाह शुक्ला जी वाह, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप। आप भी बाकी मर्द की तरह अपना गलती और कमजोरी को छुपाने के लिए एक औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये है आपका मर्दानगी। गंगा देवी जी, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। आप जो बोल रहे हैं काका, आप भी तो कंट्रोल रखिए ना अपना भाषा पर। आप अगर अपने पति को जिंदा छोड़ी होती तो उन पर चिल्लाते। दुर्भाग्य तो ये है कि हमें आपके मुंह लगना पड़ रहा है। होते ना तो जो नहीं है उनका बात मत कीजिए। आप कहा है कि बात करके अपना वक्त भी खराब करेंगे और हमारा भी करेंगे। छोड़िए ये बात को, ये बात करके ना कहा है कि अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं आप। कहा है ना कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक औरत बिना किसी के मदद के अपना बलबूते पर इतना ऊंचाई तक पहुंच गई है। फिर ये बात हम करना नहीं चाहते हैं। बस ये बताना चाहते हैं कि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा बात कब किया जाता है, कौन सा फोन पर किया जाता है और कौन सा मिलकर किया जाता है। शुक्ला जी ज्ञान मत बांटिए, ये बताइए कि करना क्या है, ये बवाल को कैसे रोकना है। ये निमकी हम दोनों को बर्बाद कर दे, इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। अरे शुक्ला जी चिंता काहे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे का? अरे देखे हैं, आगे बोलिए। आगे का आप फिक्र मत कीजिए, निमकी नाम की मछली के लिए हम जाल बिछा चुके हैं और बहुत ही जल्दी वो जाल में फंसने भी वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ये तो आज हमारा पहला पड़ाव था। दूसरा तीसरा उसका क्या? अरे वो बात पर विचार विमर्श चल रहा है शुक्ला जी, आप चिंता मत कीजिए। कहा है ना कि थोड़ा वक्त दीजिए हमको। और हम पर भरोसा कीजिए आप शुक्ला जी। अरे जाइए जाकर थोड़ा ठंडा पीजिए और खुद को भी ठंडा रखिए। चलिए प्रणाम। अरे छोड़, मिलने दे हमको। हमरे मलिकार को अगर पता चला ना कि तुम लोग हमको रोका है तो जो हाथ से छू रहा है ना वो तुम्हें तोड़ देंगे। अरे 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 शांत हो जाइए। देखिए हम आपका मैडम जी से बात करा देंगे, तब तक आप यहाँ शांति से खड़ा रहिए। अनारो जी और यहाँ गंगा देवी जी। छोड़िए कहाँ कर रहे हैं आपका ये नौकर सब? हमको चिन्हिए नहीं रहा है। बताइए कैसा नौकर चाकर उड़ल बथाल रख ली हैं आप? तब से कह रहे हैं कि गंगा देवी जी हमारी सहेली है, सहेली है। मानिए नहीं रहा, विश्वास नहीं कर रहा है। अब आप ही बताइए इन लोगों को। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये लोग देख लिए हैं, इनको कोनो बताने का जरूरत नहीं है आप। अरे आइए अनारो जी, आइए आइए आइए। सुरेखा जी मैडम जी, लेकर आइए, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। हाँ लीजिए मैडम जी। हाँ जी लीजिए, पानी पीजिए पीजिए। हाँ तो अनारो जी बताइए किस बात के लिए मिलने आई हैं हमसे? ओ दिन में आप कह रही थी ना कि निमकिया हमसे झूठ बोल रही है, हमको धोखा दे रही है। वो दिन में आप ये भी कही थी ना कि वो हमको बेवकूफ बना के रखने के लिए हमारे साथ
सास बहू का खेला खेल रही है? कहे तो थे वो निमकी आपका ख्याल रख रही है ना, कहा है कि पिछला 2 साल से आपका सेवा कर रही है, आपका परिवार वाला लोग तो आपको छोड़ कर चला गया, लेकिन वो निमकी तो है जो आपका ख्याल रख रही है कि नहीं? पर वही निमकी है जिसके चलते हमको हवेली से बाहर होना पड़ा, हमरा बब्बू को मार के वो दूसरा है को लड़का को बब्बू बना के लाके हमरे सामने खड़ा कर दिया। का सोचती हो अपना बब्बू को चीनेंगे नहीं? का चाहती हैं आप हमसे? हमरे मलिकार कहाँ है? अरे आपके मलिकार तो जेल में है ना। हाँ वो निमकी जो है अपराध जो की है उसका सजा काट रहे हैं ना आपका मलिकार। आप चिंता मत कीजिए, आपका मलिकार को हम जेल से छुड़वा कर ले आएंगे। कैसे? हाँ आइए अब इधर बैठिए। क्या करना होगा उसके लिए हमको? जो हम आपको कहेंगे वो करेंगे आपका। आप हमरे मलिकार को जेल से छुड़ा दीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो निमकी है जैसे आपको धोखा दी है हमको उससे भी बड़का धोखा दी है, पर इसका सजा तो उसे मिलना ही चाहिए। हम निमकी को बर्बाद करना चाहते हैं। तो का ये काम में हमरा मदद करेंगे आप? निमकिया को बर्बाद करने में हम तुम्हारा मदद करेंगे, बस तुम खाली हमरे मलिकार को जेल से छुड़ा दो। हम आपका मलिकार को जेल से तो छुड़ा देंगे, आप अपना वचन तो नहीं ना पलटेंगी, उसे मुकर तो नहीं जाएंगी? हम बब्बू का कसम खा के कहते हम वो छोड़ी निमकिया को बर्बाद कर देंगे। हमरा बेटा हमरे गोदी में अपना दम तोड़ा है, अपना वो मरा हुआ बेटा का कसम खा के कह रहे कि हम वो छोड़ी को बर्बाद करने कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे, उसको न जीते जी चैन मिलेगा न मरने के बाद शांति मिलेगा। ये शराब देते हैं ये माय के दिल से निकला हुआ है। गंगा देवी जी सूरज चाहे पश्चिम में उगे चाहे पूरब में डूबे मगर हमरा ही जवान नहीं टूटेगा। अनारो जी हम आपका आंखों में अब सच्चाई देख रहे हैं, हमें कोनो परीक्षा लेने का जरूरत नहीं है आपका। ये कागज को आप संभाल कर रखिए और बस एक ठो काम कीजिए, हमरा निमकी के घर में जाकर इसको कहीं छुपा दीजिए।